हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं पूजा, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, वेलकम करती हूं आपका आपके अपने चैनल अंकुजाज ड्रीम में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नीम के तेल से बने पेस्टिसाइड के बारे में। नीम के तेल से बना पेस्टिसाइड अपने कड़वेपन की वजह से कीड़ों को मारने में सहायक है। नीम के तेल का इस्तेमाल वैसे तो कई तरीक़ों से किया जाता है। इसका इस्तेमाल लकड़ी से बने आइटम्स और अन्य फर्नीचर में भी किया जाता है। तो चलिए जानते हैं पौधों में नीम के तेल का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, इसको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। वीडियो शुरू करते हैं। नीम का तेल एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, यानी कि जैविक कीटनाशक है। आप देख सकते हैं हमारे पास ये नीम ऑयल वेदा है, ऑर्गेनिक नीम ऑयल है ये प्योरली। इसका प्रयोग हम पौधों में कीड़ों को मारने के लिए करते हैं। भारत में कई वर्षों से नीम ऑयल पौधों को कीटों में मारने के लिए उपयोग किया जा रहा है और नीम ऑयल हमेशा हर तरह के कीटों को मारने के लिए कारगर साबित हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं नीम ऑयल का पौधों में कैसे क्या फ़ायदे हैं और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि पौधों में कीड़े लग जाते हैं, तो वो कौन से कीड़े हैं जो पौधों में लगते हैं? पौधों में कई तरह के कीड़े लगते हैं, जैसे स्पाइडर माइट्स, मिली बग्स, वाइट फ्लाइज, लीफ होपर्स, स्केल इत्यादि। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो पत्तों को खा लेते हैं, कुछ कीड़े पत्तों को सुखा देते हैं, कुछ कीड़े पत्तों पर जाला बनाते हैं और वो पत्ते से ही पौधा ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कीड़ों को नीम के तेल का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं होता, जिस कारण से पौधों को कीड़ों से बचाया जा सकता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि पौधों में कीड़े लगने से पहले और कीड़े लगने के बाद दोनों ही केस में नीम ऑयल का डोज देने में अंतर रहता है। अगर आपके पौधों में कीड़े लग चुके हैं तो आप उनको बचाव करना चाहते हैं तो आपको हर तीसरे दिन में नीम ऑयल का स्प्रे पौधों में करना पड़ेगा, और अगर आप अपने पौधों को कीड़े लगने से बचाना चाहते हैं तो आपको महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए ताकि आपके पौधे हेल्दी बने रहें। तो चलिए जानते हैं कि नीम ऑयल का इस्तेमाल करना कैसे है। नीम ऑयल का इस्तेमाल करने के लिए हम एक ढक्कन छोटे वाला या फिर एक टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे। आप देखेंगे मैंने नीम ऑयल एक टेबल स्पून के बराबर एक ढक्कन में ले लिया है। इसको मैं एक लीटर पानी में घोलने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑयल कभी पानी में घुलता नहीं है, इसके लिए मैं डिश वॉश का यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें माइल्ड शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑयल को अच्छे से घोलने के लिए। नीम ऑयल और डिटर्जेंट को पानी में मिलाने के बाद आप इसको अच्छे से शेक कीजिए ताकि ऑयल और डिश वॉश दोनों ही इसमें अच्छे से घुल जाएं। तो चलिए अब हम इसको स्प्रे करते हैं अपने प्लांट्स में। फ्रेंड, इस टाइप से आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है। पौधों के निचली साइड से भी हमें नीम ऑयल का स्प्रे देना है ताकि कीड़े नीचे की साइड से भी हट सकें। केमिकल पेस्टिसाइड को इंडोर प्लांट्स में यूज़ करते हुए हमें डर लगता है कि कहीं केमिकल पेस्टिसाइड से बच्चों की हेल्थ को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए हमें नीम ऑयल का इस्तेमाल इंडोर प्लांट्स में भी करना चाहिए, क्योंकि नीम ऑयल बिल्कुल सेफ माना गया है। नीम ऑयल का स्प्रे पौधों पर करने से कीट पतंगों, वायरस, फंगस से तो बचते ही हैं, साथ ही साथ एक और फ़ायदा हो जाता है कि इससे मच्छर भी भागते हैं। अक्सर पेड़ पौधों के आसपास मच्छर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने पौधों में अच्छे से देख लीजिएगा कि किस जगह पे कीड़े लगे हुए हैं। अगर आप कीड़े लगने से पहले ही अपने पौधों पर स्प्रे करना चाहते हैं फिर तो आप ऊपर से भी स्प्रे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा है नीम ऑयल स्प्रे का आपको अच्छे तरीके से पता लग गया होगा पौधों में इसे कैसे इस्तेमाल करना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि हम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अंकुजाज ड्रीम।